है और शायद उसी कार की फोटो तेरे दीवार पे भी लगी हुई है। कोई ऐसा जिसने उतना नाम कमा लिया जितना तू कमाना चाहता है, जितना तुझे चाहिए? झांक यार झांक ले। पता चला कुछ? ये लोग जो तुझे फालतू की राय देने में लगे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, कौन होते हैं ये लोग तुझे राय देने वाले? जब उन्होंने वो कभी हासिल ही नहीं किया, शायद जिंदगी में उतना पैसा कभी देखा ही नहीं, वो कार वो नाम वो स्टार्डम कभी महसूस ही नहीं किया, वो क्या तुझे बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं? देख यार सिंपल सी बात है, अगर तू वो करेगा ना जो सब करते हैं तो तुझे वही मिलेगा जो सबको मिलता है, और अगर तू वो करेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया, तुझे वही मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला, किसी को भी नहीं। तो देखो सपने तो सोचो बड़ा, किसी की औकात नहीं है जो तुझे रोक सके, किसी के रास्ते पर मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ और प्रूव कर दो इस नकली दुनिया को कि तुम सही हो और वो गलत, और अपने आप से ये वादा करो कि यार जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए ना, लेकिन इनके जैसी जिंदगी मेरी नहीं होगी। मैं इस 9 से 5 के खूंटे में बनने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं किसी का नौकर बनने के लिए नहीं बल्कि अपने माँ बाप का राजकुमार और अपनी जिंदगी का राजा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। नहीं जीनी ऐसी लाइफ जहाँ हर कदम पर बहाना करना पड़े। अरे यार खिलौना बनता ही है टूटने के लिए, बहाना करते हैं लोग कि बेटा खिलौना टूट जाएगा, क्योंकि पैसे नहीं होते, मजबूर होते हैं, जिंदगी के थपेड़े से चूर चूर होते हैं। तो यार पेन उठाओ और लिख दो अपनी कहानी को, लिख डालो, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, तुम तो अनंत हो, यू आर इनफाइनाइट। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि जब तक पढ़ाई का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होगी, मालिक नहीं।